आपने बताया मोह, मोह की बात, जहाँ भी हमें अच्छा लगे वह सब मोह है। वस्तुओं के प्रति मोह हो सकता है और व्यक्तियों के प्रति भी मोह हो सकता है। वस्तु के प्रति मोह है वह वन वे ट्रैफिक है, और व्यक्ति के प्रति टू वे। आपका किसी व्यक्ति पर मोह हुआ तो उसका भी आपके पर होना शुरू हो जाएगा, फिर वो बढ़ते जाएगा और उसका अंजाम ये आएगा कि जहाँ जहाँ मोह है व्यक्तियों से, वहाँ से आपको मार मिलेगा, वहाँ से मार खाना पड़ेगा, यानी दुख भुगतना पड़ेगा वहाँ से ही। जहाँ मोह नहीं है वहाँ कुछ दुख नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा मोह अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, माता पिता पर, भाई अपने सगे वाले मित्रों पर, जहाँ ज़्यादा रहा वहाँ से ही भुगतना आएगा। और जिसके पर मोह नहीं वहाँ से कोई भुगतना है, वो गाली देवे तो भी दो मिनट में आप भूल जाओगे, लेकिन घर वाले ने कुछ कहा तो रात भर नहीं नहीं आएगी, मुझे सुना गई, मेरा अपमान करके सबके बीच में बोल गई, बच्चे नहीं मानते, मेरे होकर नहीं मानते, मैंने इतना सारा उनके लिए किया और मेरी एक बात नहीं सुनते, ये कितना भुगतने का आता है मोह की वजह से। तो जहाँ भी भुगतना आया तो पहले तलाश करो कि क्यों आया, क्या मोह था, तो दिखेगा, उसमें से बाहर निकलो, निश्चय करो, उसमें हमारी सहमति मत दो तो छूट जाओगे हौले हौले। सुनील कदम कहते हैं, प्रलय काल में विश्व परमात्मा में विलीन हो जाता है, इसका मतलब सबको मोक्ष मिला, फिर मोक्ष के लिए प्रयत्न क्यों करने का। लेकिन ऐसा कहा किसने आपको, प्रलय काल होता है और उसमें सब परमात्मा के पास चले जाते हैं, मोक्ष हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है ना कि प्रलय काल में वो विलीन हो जाता है ब्रह्मलोक के सहित सब। नहीं, गलत है, कोई विलीन नहीं होता है परमात्मा, तो फिर ये बात ही पूरी हो गई, कुछ करने की जरूरत ही क्या है, कुछ करने की क्या जरूरत है, स्वयं ही हो जाएंगे। तो लॉजिक नहीं है, किसने लिखा और किसने सुना और किसने पढ़ा और क्या समझे, ऐसा प्रलय काल होता ही नहीं है। तो परमात्मा में विलीन हो गए तो बात पूरी हो गई, और परमात्मा कहाँ है, ऊपर है, इधर है, उधर है, किधर है। वही शास्त्र में ये भी तो लिखा है, आत्मा सो परमात्मा, आपका आत्मा ही परमात्मा है, आप स्वयं परमात्मा हो गए तो फिर वो भी तो बात है। तो ये सब विरोधाभास है। यहाँ शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लोग कहते हैं कि मरने के बाद अपने बच्चे लोग हमारी कुछ क्रियाएं करें, उत्तर क्रियाएं वगैरह करें तो मुक्ति मिल जाती है। अरे ऐसे थोड़ी मुक्ति मिलेगी, सिर्फ वो बेटा क्रिया करे और हमारी मुक्ति ऐसी हो जाए। तो फिर गीता में कृष्ण भगवान को इतनी भेजा पड़ी अर्जुन से करने की क्या जरूरत थी, समझाने की क्या जरूरत थी, कुछ करने की भी क्या जरूरत थी। यह सब अधूरी ज्ञान की बातें हैं, सब कहना कुछ आते हैं और लिखते पीछे वाले कुछ बताते हैं और सुनने वाले कुछ सुनते हैं और समझते कुछ और है, ऐसा नहीं है भैया। सबको अपने कर्म को ख़त्म करना रहेगा, आत्मा जानना पड़ेगा, आत्मा अगर नहीं जानोगे तो आत्मा कैसे परमात्मा स्वरूप हो सकेगा। आपका ही आत्मा परमात्मा है, लेकिन आप अभी तो आत्मा हूँ वो भी नहीं जानते, मैं संजीव हूँ ऐसा ही समझते हो, तो ध्यान से आगे बढ़ सकते हो, समझ में आया ना। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होने के बाद फिर जन्म होता है कि नहीं, क्योंकि कुछ संत कहते हैं कि हो सकता है, उपनिषद कहते हैं कि फिर जन्म नहीं होता है। ये ब्रह्मलोक अपनी अपनी व्याख्या से लोग पढ़ते हैं क्या, ब्रह्मलोक अलग चीज़ है, मोक्ष अलग चीज़ है। ये स्वर्ग पाताल वगैरह कहते हैं ना, तो स्वर्ग में तरह तरह के नाम बताए हैं, किसी ये लोक है, वो लोक है, तो मोक्ष चीज़ ऐसी है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने मोक्ष सही शब्द का प्रयोग किया है, माहिर भगवान ने शब्द का मोक्षी शब्द का प्रयोग किया है,
फिर योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को ज्ञान दिया तो उसमें भी मोक्ष का ही जिक्र किया है। तो ये मूल भगवान की बात सोचो, ये बात पीछे वाले लोगों की क्या बातें सोच सुनते हो। संतो भक्तों कहते हैं किताबों में लिखा है, मूल क्या कहते हैं, मूल पुरुष आदि पुरुष जो प्राप्त कर चुके हैं और औरों को करवा रहे थे, करवा चुके हैं, जिसको आप भगवान तरी आज भी भगवान ऐसा करके आप उनको मानते हैं, पूछते हैं, तो उनकी बात सोच रहे हो, समझो। तो वो मोक्ष चीज ब्रह्म लोग कहीं उन्होंने शब्द प्रयोग नहीं किया है गीता में, तो ये अपनी अपनी भाषा का है। वहाँ से वो कहते हैं वापस आ गया तो आओ, हमको क्या लेना देना है, हमको वहाँ जाना ही नहीं है, हमको तो मोक्ष में जाना है कि जहाँ से वापस ना आए, तो काम की बात बनेगी। नहीं तो ये तो तरे दुनिया में इतने शास्त्र है, इतने संतों के लोगों के पुस्त ग्रंथ लिखे हुए हैं जिसमें से हमारा हमको कुछ काम नहीं आते, हमारा एक दुख कम नहीं करते, हमारी एक एक गलत फहमी दूर नहीं करते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा। जहाँ कुछ फ़ायदा मिले वो बात में आगे बढ़ो, न मिले तो वहाँ क्या करना। ऊपर से कन्फ्यूज़न बढ़ा दिया, बोलो ब्रह्म लोक सच्चा के मोक्ष सच्चा, किधर से वापस आएंगे और किधर से नहीं आएंगे। जो कन्फ्यूज़न बढ़ा है वो सच्चा ज्ञान नहीं, जो कन्फ्यूज़न में से निकाल दे, पार उतार दे, क्लैरिटी कर दे, शांति कर दे, वो सच्चा है। मिलिंद शिंदे ना सॉरी ललिता शिंदे पुणे, ललिता शिंदे पुणे कहती है, हमारे जीवन में जो घटना होती है वो अपने आप ही होती है क्या? आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप ही तो होती है। आप पैदा हुई तो अपने आप ही पैदा हुई ना, आपको कुछ करना पड़ता उसके लिए। वो मरना भी अपने आप आएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, करने जाओगी तो भी आएगा ही, समझ में आया ना। ये नींद आती है तो उसमें कुछ करना पड़ता है कि आ जाती है? हाँ, उठ जाती हो कि उठना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है? नहीं, सब अपने आप होता है, कुछ करना नहीं पड़ता। कर्म का फल है इसलिए वो खुद ब खुद होता है, समझ में। सब चीज अपने आप होती है। हम जब बीमार होते हैं तो वो फल है या किसी के कारण हमें ऐसा होता है या ये आत्मा का भुगतना है? किसी के कारण भी, यानी क्या कहना चाहती हो आप? नहीं, वो दवाई खाना पड़ता है ना, तो कंटाल जाते हैं ना दवाई खाने से, तो उसके लिए। हाँ, तो लेकिन किसी कारण से थोड़ी बीमारी आती है, अपने ही कर्म का फल है। उस वो पैदा होते हैं तब से लेके आते हैं, आयुष्य कर्म, वेदनीय कर्म, उसमें अशाता वेदनीय कर्म का उदय होता है, तब ये शारीरिक दुख आते हैं। तो फिर उसका हो सके तो समता में रह कर निकाल करो, या तो दवा दारू करो, कटालने से थोड़ी काम होगा, जो है सो पूरा करो, और एक दिन मरने आएगा तो वो भी भूख पूरा होगा, अपने हाथ में कुछ नहीं है, समझ में ना। और किसी के हाथ में, और ये भुगतना, आत्मा नहीं भुगतता है, आत्मा तो परमानंदी है, उसको कहाँ से भुगतना आएगा। जैसे कि बर्फ, बर्फ का इतना बड़ा ब्लॉक है, तो उसको कितना भी अंगारा लगाए तो क्या वो जलेगा बर्फ? उसको कैसे जलन होगी? आत्मा भी परमानंद स्वरूप ही है, कुछ भुगतता नहीं है। तो भुगतता कौन है? जो मानता है कि मैं ललिता हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे सहन नहीं हो रहा है, मुझे सुख लग रहा है, ये सब अहंकार को है, खुद का ही अहंकार जन्मों जन्म से चलता आया है और चलते रहेगा। जब तक ज्ञान नहीं होता है कि मैं ललिता नहीं हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, तब हो जाता है। मन चंचल है, एक निश्चय पे आने के लिए क्या करना चाहिए? ये निश्चय पे आने के लिए
निश्चय अलग है और मन अलग है। मन निश्चय नहीं करता है, अज्ञान दशा में अहंकार निश्चय करता है बुद्धि की बात सुनकर। मन का उसमें, मन की बात अगर बुद्धि को पसंद आए तो उसके कहने के मुताबिक करेगा, नहीं भाई तो चित्त के हिसाब से। लेकिन अभी कुछ करने का, अभी आपका सत्संग सुनते हैं ना, तो पहला भी मैंने बहुत सत्संग ऐसा किया है तो उसमें मन नहीं लगा मेरा, लेकिन इसमें लग गया सब। तो घर में बोलते अभी ये कर रहे हैं क्या तुम, अभी ये भी छोड़ देंगे ऐसा बोलते। इससे ज़्यादा कोई बढ़िया चीज़ मिलेगी तो ये भी छोड़ दूंगी क्या उसमें। हम बांध के नहीं रखते हैं, आगे की चीज़ मिली, केवल ज्ञान की मिली, मोक्ष भी मिल गया तो हम कहते हैं ओ भागो भागो, हम भी पीछे भागेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं लेकिन मेरे को ना पढ़ना लिखना नहीं आता था। हाँ। पहले से, मैं अभी 39 की हूँ, जब से नहीं आता था तो ये नौ कलम आपने भेजा ना, तो जब से आने लगा तो पढ़ना लिखना सब, हसीम जय जय कार भी बोलती हूँ अच्छा। तो उससे सब आने लगा और अभी इतना सब दुख है, लेकिन तो अभी मैं इधर आई हूँ। आज मेरा हस्बैंड का ऑपरेशन है हॉस्पिटल में, तो वो लोग ने मेरे को बुलाया नहीं कि उनका ऑपरेशन है करके, तो अभी मैं इधर आई हूँ। अभी अपने अहंकार का ऑपरेशन करवा लेना, कल आनंद आनंद रहेगा। नहीं अभी दुख ही नहीं लगता है मेरे को, कुछ भी नहीं पढ़ती ना, नौ कलम भी पढ़ती है। महेश भैया ने मेरे को सीढ़ी देते और सब किताब देते ना, तो सब पढ़ती है। बहुत अच्छा। तो उनका बहुत मेरे ऊपर, उनका बहुत ये है, भाभी भी बहुत अच्छे उधर पुणे में। तो मैं सुबह से आई पुणे में, इधर आके बैठी थी इधर ही। बहुत अच्छा। तो सब काम हो जाएगा, कल ज्ञान लोगे ना। हाँ, सब हो जाएगा। तो उसमें क्या, मेरी लड़की लोग है ना, तो उनका भी छोटी वाली है ना, वो मेरा कुछ बात ही नहीं सुनती है, और उसका बात मेरे को अच्छा नहीं लगता और मेरा बात उसको अच्छा नहीं लगता है। तो अभी उसका 10वीं चालू है, तो मैं उसको बोलती पढ़ाई करो, तो वो बोलती वो मेरा बात ही ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती है। तो अभी ज्ञान लेने के बाद उसको शुद्ध आत्मा देखो, और उसको कुछ भी कहो तो बगैर आग्रह से कहो, आग्रह नहीं। हाँ। मैं कहती हूँ ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं, प्रेम से कहो। माने तो अच्छी बात है, न माने तो फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा कहो, लेकिन प्रेम से कहो और चिढ़ के मत कहो। और नीलिमा, मैंने ना मेरे बचपन से ना मेरे माँ बाप को सबको बहुत तकलीफ दी है, तो उसका मैंने सबसे प्रतिक्रमण किया, तो मेरे को अभी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। तो किताब में पढ़ के सबको मैं प्रतिक्रमण करते रहती, बहुत अच्छा। बहुत बोलेगा तो बहुत दुख दिया, उनका सुना नहीं अभी तक मैंने, तो अभी बहुत उनका ये करती तो बहुत हल्की हो गई एकदम मन में बहुत। अभी बेटी का भी करो प्रतिक्रमण, पति का सबका करो। हाँ जी। हाँ, सबको, किसी का बाकी रखो। आपका आशीर्वाद लेने का है। हाँ, हमारा आशीर्वाद है, आज सत्संग खत्म भी करेंगे और सबको चरण स्पर्श और आशीर्वाद देने का कार्यक्रम होगा। तो मेरे को कल वो लेने का है, ये नाम ही दी ले। जरूर जरूर लो। हाँ जरूर, ये मन मन सब शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। दूरदर्शन दूर दूर तक जाता है, सबको दिल में बैठ जाता है। बहुत अच्छा है। रमीला बेन मलाड़ कैचे, निरुमा मैंने गुरु मंत्र लिया है और मैंने रोज सुबह शाम मंत्र जाप करती हूँ, तो क्या मैं आपका ज्ञान ले सकती हूँ? मुझे ज्ञान लेना है। ज्ञान ले सकती है नहीं, मतलब गुरु मंत्र तो ऐसे छोड़ना नहीं पड़ेगा ना, वो छूट जाएगा क्या? ऑटोमेटिक छूट गया तो छूट जाने दो, नहीं छूटा तो चलो, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं रहेगी क्या? गुरु के प्रति आदर रखो, उनका जो कुछ दक्षिणा देते गुरु दक्षिणा वो दो, सब कुछ करो। मंत्र फिर आत्मा प्राप्त करने के बाद फिर जरूरत नहीं है। मन की कीमत कहाँ तक, उसका कहाँ तक उसकी हेल्प है? मन को स्थिर करता है वह, मन को स्थिर थोड़ी देर करता है, उसको मंत्र कहा जाता है। और यह तो इससे बहुत आगे की चीज़ है, आत्मज्ञान है। समझे, जो चीज़ करते हैं काय के लिए, तो क्या अंतिम चीज़ प्राप्त करें, वो मिल गया के बाद इसकी ज़रूरत नहीं है।
मुझे क्रोध बहुत आता है, उससे निकलने के लिए उपाय ज्ञान लेने से आपको क्रोध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हाँ नहीं, मतलब पहले तो मेरे को ऐसे बचपन से ही आता था, लेकिन अभी थोड़ा मंत्र जाप करते लगी ना तब से मतलब कम हो गया है। लेकिन अभी क्या, थोड़े बच्चे घर में मस्ती करेगा तो उनके ऊपर ज़्यादा क्रोध आता है, ऐसे नहीं आता है, ये लोग कुछ करेंगे तो ही आता है। तो बच्चे नहीं करें तो कौन करेगा, बच्चे का बाप करेगा मस्ती। नहीं लेकिन वो ऐसा क्रोध आता है ना कि यूं मतलब ऐसे दुश्मन लगते हैं मेरे, ऐसे बच्चे नहीं लगते हैं। अच्छा नहीं, कभी भी कितना भी हो लेकिन माँ को अपने बच्चे दुश्मन नहीं लग होते। नहीं उस समय जब क्रोध आता था ऐसे लगता है कि ये हमारे बच्चे ही नहीं है, क्यों ये लोग ऐसा तंग क्यों करते हैं। तो भी अंदर तो नहीं ऐसा होता है क्या, उसका प्रतिक्रमण करना, बच्चों का प्रतिक्रमण करो और उनके लिए इतना वो क्यों ऐसा करते हैं वैसा, वो तो उन लेकर आए हैं वही करेंगे, तो उसको स्वीकारो एक्सेप्ट कर लो क्या। अच्छा और छोटे समझा के काम लेना। मेरे साथ में यहाँ बैठे आपका आशीर्वाद चाहिए उनको भी। हाँ सबको दिलाएंगे, छोटे बच्चे करेंगे ही ना, बड़े थोड़ी करते हैं। प्रेम से लो तो अंदर अंदर झगड़ते तो आप बीच में गिरो ही मत, उनका झगड़ने के बाद दोनों फिर दो एक ही साथ खेलने को आते हैं। वो थोड़ी 5-10 मिनट के बाद में वापस खेलना चालू हो जाता और है। आपका दिमाग घंटा तक बिगड़ा हुआ रहता है। वो है। तो छोड़ दो उसको, अपना करने दो, जब वो आपके पास आए तो कहने नहीं आप अंदर अंदर झगड़ो और आप ही फैसला करो, मेरे पास मत आना। ठीक है, जय सचिदानंद। वसंत मेहता कांदीवली। त्रिमंत्र खुद दादा भगवान ने दिया है, इस मंत्र से संसार की किस प्रकार की समस्या हल होती है? धंधा रोजगार और संसार में बहुत समस्या होती है, इसमें कुछ फर्क होता है क्या, इसके बारे में बताएं। यह संसार के विघ्न दूर करने के लिए है और सुबह शाम ज़्यादा 5-5 बार बोलना, बहुत मुसीबत आई तो 1 घंटा बोलना, हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं है, 1-1 घंटा बोलो, दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलो, जो भी बोलोगे उससे आपके विघ्न संसार के दूर होंगे। अल्टीमेट तो आत्मा का ही प्राप्त करने की बात है। अपूर्व, क्रोध मान माया हमको कैसे आता है, उस पर कैसे काबू पाया जाए? वो ज्ञान से ही उस काबू में आ सकता है। ज्यादा क्रोध किस पर आता है बेटे? मेरी बहन पर। बाजू में क्या खड़ी हो जा बहन। और मम्मी पे आता है? कभी कभी। और बहन पर रोज आता है? हाँ। और उस पर प्यार भी तो आता है ना? हाँ। वो अगर चली गई 2 दिन बाहर तो कुछ दूसरे गांव चली गई तो अच्छा लगेगा? नहीं। अरे 2 मिनट भी नहीं चलेगा उसके बगैर। पर कभी कभी वो ऐसा करती है कि ऐसा क्रोध आता है ना तो कंट्रोल ही नहीं होता है। फिर माफी मांग लेते हो कि नहीं मांगते हो, सॉरी कहते हो? हाँ। छोटी बहने को? हाँ। माफी मांग लेते उससे? हाँ। पर इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? बस यही माफी मांगते मांगते हो जाएगा। और दादा भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे क्रोध में से मुक्त करो, और रोज 10 मिनट दादा भगवान के असीम जय जयकार हो बोलो, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा आएगा। और रात को सोने के पहले या जब भी टाइम मिला तो सुबह से शाम तक जहाँ जा के जिसके ऊपर क्रोध किया उन व्यक्तियों से मन में माफ़ी मांग लो उनके अंदर बैठे हुए भगवान के पास, और नक्की करो कि फिर ऐसा दोबारा नहीं करना, ऐसा रोज करना है। हाँ। स्कूल में, घर में, बहन के साथ, मम्मी के साथ, फ्रेंड सर्कल में, टीचर के साथ, जब भी क्रोध आता है तो रात को बैठ के माफ़ी मांग लो। आप अपने मुझे ज्ञान विधि देंगी? क्या उम्र है आपकी? मैं 7th में हूँ और मेरी उम्र 13 है। 13 साल में क्या आप वोट देने जाओगे तो दे सकोगे? नहीं। हाँ यहाँ भी अभी बहुत छोटी उम्र है। हाँ अड़ालज में बच्चों की शिविर होती है तब वहाँ आओ, वहाँ आपको ज़्यादा प्रगति होगी। और थोड़े से बड़े उम्र के हो जाओगे ना 3-4 साल के बाद आपको ज्ञान मिलेगा। हाँ तब तक ये नव कलम वगैरह करो, किताब ले जाओ पढ़ो और शिविर में आओ, उससे आपको बहुत प्रगति होगी। जय सचिनानंद।
हरिशंकर जोशी, जिन जिन बच्चों को यही पढ़ाई में तकलीफ है वो सब के लिए यही दवा है। दादा भगवान कैसे जय जय करो, 10 मिनट बोलो पर फिर पढ़ाई करने को बैठो, बहुत अच्छे से याद रहेंगे आएगा, सभी मार्क्स भी अच्छे आएंगे। हरिशंकर जोशी, हाँ गुरु माँ इधर कहते हैं, पूर्ण ज्ञान एवं समझ की अनुभूति कैसी होती है, कृपया समझाए कि हमारे लक्षण एवं अनुभूति हमारे सूक्ष्मतम स्तर पर कैसे होती है। सूक्ष्मतम स्तर पर कैसी होती है, ऐसे पूर्ण ज्ञान की अनुभूति एकदम नहीं होती है। पूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान, फिर तुरंत ही मोक्ष हो जाता है कई सालों में, वो अंतिम स्टेज है पूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान। केवल ज्ञान वो लास्ट स्टेज है और शुरुआत आत्मज्ञान से होती है, आत्मा की पहचान। अभी आप क्या मानते हैं, मैं हरिशंकर हूँ, फिर ज्ञातम ज्ञान प्राप्त करने के बाद होगा कि मैं हरिशंकर नहीं हूँ लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूँ, दो अलग है ये अनुभव होगा। और जागृति रहेगी, अपने दोषों के प्रति जागृति बढ़ दिखेगी, दोष दिखाएंगे खुद के औरों के नहीं, समझ में आया ना, चिंता टेंशन वगैरह नहीं होगी। ठीक बात, तो ये ज्ञान लेने के बाद कल ज्ञान विधि में बैठोगे ना, हाँ जी, तो उसमें ये आपको सब मिल जाएगा। ठीक, लेकिन ये अपेक्षा मत रखो कि कल ज्ञान मिलेगा तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, नहीं ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, फुल मूल यानी पूर्ण ज्ञान, फिर तो मोक्ष तुरंत होता है, वो तो कर्म सब खत्म हो जाते हैं तभी होता है। अभी तो सारे कर्म है आपके, संसार है, बीवी बच्चे हैं, सब कुछ करना है, तो ये हो गया और पूर्ण ज्ञान दोनों साथ में नहीं होता। हाँ आत्मज्ञान हो सकता है, फिर उस आत्मज्ञान कल मिलेगा तो फिर संसार के कर्मों को किस तरह से ख़त्म करना है ताकि नए कर्म न बंधे जाए और पुराने खत्म हो, उसके लिए आपको 5 आज्ञा समझाएंगे, तो उसमें वो फॉलो करते करते पूर्णाहुति हो जाएगी। ठीक है।